नमस्कार। हिंदी विभाग डीएवी कॉलेज चीका द्वारा आयोजित ई लर्निंग कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम बीएससी द्वितीय वर्ष के चतुर्थ सेमेस्टर में वैज्ञानिक शब्दावली को लेकर विचार विमर्श करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, आपके पाठ्यक्रम में 50 अंग्रेजी के शब्द दिए गए हैं और आपको इन 50 अंग्रेजी के शब्दों के हिंदी तकनीकी अर्थ ज्ञात होने चाहिए, उनके बारे में आपको ज्ञान होना चाहिए। आज हम उन्हीं को लेकर विचार विमर्श करेंगे, बातचीत करेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले हम बात करते हैं वैज्ञानिक शब्दावली को लेकर। अर्थ की दृष्टि से किसी भाषा की शब्दावली दो प्रकार की होती है, सामान्य शब्दावली और पारिभाषिक शब्दावली। ऐसे शब्द जो किसी विशेष ज्ञान के क्षेत्र में एक निश्चित अर्थ में प्रयुक्त होते हैं, वह पारिभाषिक शब्द होते हैं, और जो शब्द एक निश्चित अर्थ में प्रयुक्त नहीं होते, वह सामान्य शब्द होते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, विज्ञान के क्षेत्र में जिन विशिष्ट शब्दों का प्रयोग किसी विशेष अर्थ को व्यक्त करता है, उन्हें हम वैज्ञानिक शब्दावली कह सकते हैं। अब हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम शब्द लेते हैं हाइड्रेशन। प्यारे विद्यार्थियों, हाइड्रेशन शब्द का हिंदी में अर्थ है जलयोजन। यदि आपके पास प्रश्न पत्र में ये शब्द आ जाता है कि आप जो है हाइड्रेशन शब्द का हिंदी में तकनीकी अर्थ लिखिए, तो आप लिखोगे इसके लिए हाइड्रेशन के लिए जलयोजन। इसी प्रकार आपके पास शब्द आएगा इग्निशन, इग्निशन के लिए ज्वलन हिंदी में शब्द है, ज्वलन इसका प्रयोग किया जाता है। डिक्शनरी में इसके लिए आग लगाना, आग से जलना, प्रदाह, सुलगाना, जलना इत्यादि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। और इंग्लिश में इसके समानार्थी शब्दों में ब्लाजिंग, बर्निंग इत्यादि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद शब्द आता है इंडिकेटर। इंडिकेटर शब्द का अर्थ है सूचक, किसी चीज के बारे में बताना, इंडिकेट करना, इंडिकेटर यानी कि सूचक। इसी प्रकार उसके बाद प्यारे विद्यार्थियों शब्द आता है इनर्टिया, इसका अर्थ है जड़ता, जड़त्व भी कह सकते हैं, निष्क्रियता भी कह सकते हैं, अक्रियता भी कह सकते हैं, और अचेतनता भी इसको हम कह सकते हैं। इसके बाद प्यारे विद्यार्थियों शब्द आता है इंसुलेशन, इसके लिए रोधन शब्द का प्रयोग किया जाता है हिंदी में, और इसके लिए हम कह सकते हैं तापावरोधन, विसंवाहन, पृथक्करण इत्यादि शब्दों का भी प्रयोग इसके लिए किया जाता है। इसके बाद प्यारे विद्यार्थियों शब्द आता है इंटेंसिटी, इसका अर्थ है तीव्रता, आधिक्य भी हम इसको कह सकते हैं, उत्कटता भी कह सकते हैं, प्रगाढ़ता भी कह सकते हैं, सघनता भी इसको हम कह सकते हैं, लेकिन मुख्य रूप से इसके लिए तीव्रता शब्द का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद प्यारे विद्यार्थियों शब्द आता है इन्फेक्शन, इन्फेक्शन का अर्थ है संक्रमण। आजकल जो ये कोरोना वायरस चल रहा है, और जो ये कोरोना वायरस है किस प्रकार से इसका इन्फेक्शन संक्रमण बढ़ता है, इसके बारे में आप सभी को ज्ञात ही है। तो इस प्रकार जो इन्फेक्शन शब्द है, इन्फेक्शन शब्द का अर्थ है संक्रमण। उसके बाद शब्द आता है इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन शब्द का अर्थ है आंत, इसको अंतड़ी भी कह सकते हैं। इसके बाद शब्द आता है लेटनहिट, लेटनहिट शब्द का अर्थ है गुप्त ऊष्मा। इसके बाद प्यारे विद्यार्थियों शब्द आता है मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिज्म शब्द का अर्थ है चुंबकत्व। इसके बाद हम बात करते हैं मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट का अर्थ है गलनांक, यानी कि गलनांक के लिए मेल्टिंग पॉइंट अंग्रेजी के शब्द का प्रयोग किया।
इसके बाद शब्द आता है मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन के लिए झिल्ली शब्द का प्रयोग किया जाता है। इसको खोल भी कह सकते हैं, खाल भी कह सकते हैं, पर्दा, कला, यानी कि जो झिल्ली शब्द है, जो मेम्ब्रेन है, इसके समानार्थी शब्दों में हम कह सकते हैं जो झिल्ली है उसके समानार्थी हैं खोल, खाल भी हम कह सकते हैं। और इंग्लिश में मेम्ब्रेन के लिए जो शब्द है, जो नाउन है, फिल्म, इंटेगुमेंट इत्यादि शब्दों का इसके लिए प्रयोग किया जाता है। प्यारे विद्यार्थियों, आपके पास यदि पेपर में मेम्ब्रेन शब्द आता है तो आप इसके लिए झिल्ली हिंदी के शब्द को लिखोगे। उसके बाद शब्द आता है मेटामोफोसिस। इसके लिए कायांतरण शब्द का प्रयोग किया जाता है। प्यारे विद्यार्थियों, मेटामोफोसिस शब्द के लिए रूपांतरण, रूपांतर, रूप विकार, रूप भेद इत्यादि शब्दों का हिंदी में प्रयोग किया जाता है, लेकिन मुख्य रूप से हम इसके लिए कायांतरण या कायापलट शब्द का प्रयोग करते हैं। इसके बाद शब्द आता है माइक्रोस्कोप। प्यारे विद्यार्थियों, माइक्रोस्कोप शब्द का हिंदी में वैज्ञानिक शब्दावली में इसका अर्थ है सूक्ष्मदर्शी। इसके बाद हम बात करते हैं मोमेंटम। मोमेंटम शब्द का अर्थ है संवेग। इसके लिए गति शब्द का प्रयोग किया जाता है, वेग शब्द का प्रयोग किया जाता है, गति मात्रा भी इसको हम कह सकते हैं। और अंग्रेजी में इसके लिए स्पीड, मोशन, पेस, रेट इत्यादि शब्दों का समानार्थी रूप में प्रयोग किया जाता है। लेकिन प्यारे विद्यार्थियों, आपके सिलेबस में जो मोमेंटम शब्द है, इसके लिए आप वैज्ञानिक शब्दावली में हिंदी शब्द के रूप में संवेग शब्द का आप इसके लिए प्रयोग करोगे। इसके बाद हम बात करते हैं मल्टीप्लायर शब्द की। मल्टीप्लायर शब्द का अर्थ है गुणक। इसके बाद शब्द आता है प्यारे विद्यार्थियों न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का अर्थ है नाभिक। इसके लिए गुदा, केंद्रक, परमाणु का बीज केंद्र इत्यादि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। लेकिन प्यारे विद्यार्थियों, आप इसके लिए पेपर में नाभिक अर्थ को ही लिखोगे। न्यूक्लियस शब्द के लिए नाभिक वैज्ञानिक शब्दावली का अर्थ है। इसके बाद हम बात करते हैं न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन का अर्थ है पोषण। इसके बाद प्यारे विद्यार्थियों शब्द आता है ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन शब्द का अर्थ है प्रेक्ष। ऑब्जर्वेशन के लिए अवलोकन, निगरानी, पर्यवेक्षण, देखभाल इत्यादि शब्दों का भी प्रयोग किया जाता है, लेकिन पेपर में हम इसके लिए प्रेक्षण अर्थ को ही लिखेंगे। इसके बाद शब्द आता है ऑब्ट्यूस एंजल। इसके लिए हिंदी में अधिक कोण शब्द का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद प्यारे विद्यार्थियों शब्द आता है ऑर्बिटल। इसके लिए हिंदी में कक्षाकार शब्द का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं ओस्मोसिस। ओस्मोसिस के लिए प्रसरण शब्द का प्रयोग, प्रसरण हिंदी के शब्द का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद शब्द आता है ओवरी। ओवरी के लिए अंडाशय शब्द का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद शब्द आता है पैरासाइट। प्यारे विद्यार्थियों, पैरासाइट के लिए परजीवी शब्द का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद शब्द आता है पेंडुलम। पेंडुलम के लिए लोलक शब्द का प्रयोग किया जाता है। इसके लंगर शब्द का भी प्रयोग किया जाता है। इसके बाद शब्द आता है पेस्टिसाइड्स। इसका अर्थ है नाशकारक रसायन। इसके बाद हम बात करते हैं प्यारे विद्यार्थियों फार्मेस्यूटिकल। इसके लिए हिंदी में औषध रासायनिक शब्द का प्रयोग किया जाता है। इसके लिए दवा शब्द का भी प्रयोग किया जाता है। इसके बाद शब्द आता है फोटो कैटलाइस्ट। इसके लिए प्रकाशित उत्प्रेरक शब्द का प्रयोग किया जाता है। फोटो कैटलिस्ट के लिए हिंदी में प्रकाशित उत्प्रेरक शब्द है। इसके बाद हम बात करते हैं फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी शब्द का अर्थ है शरीर क्रिया विज्ञान। प्यारे विद्यार्थियों, फिजियोलॉजी के लिए आप पेपर में हिंदी के वैज्ञानिक शब्द के रूप में लिखकर आओगे शरीर क्रिया विज्ञान। इसके बाद शब्द आता है फनोमिनन। फनोमिनन
फिनोमिनन का अर्थ है विरला या अद्भुत घटना। प्यारे विद्यार्थियों, अद्भुत घटना के लिए या विरला के लिए फिनोमिनन शब्द का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद शब्द आता है प्लाज्मा। प्यारे विद्यार्थियों, प्लाज्मा शब्द का अर्थ है जीव द्रव्य। प्लाज्मा के नाउन के रूप में बैक्टीरिया, प्लाज्म, माइक्रोब इत्यादि शब्दों का प्रयोग किया जाता है, और जीव द्रव्य के साथ साथ हम जीवाणु शब्द का प्रयोग करते हैं, लेकिन जो प्लाज्मा शब्द है इसका वैज्ञानिक शब्दावली में अर्थ जीव द्रव्य आएगा। इसके बाद प्यारे विद्यार्थियों हम बात करते हैं पोल्यूशन की। आप सभी को पता ही है कि पोल्यूशन का अर्थ है प्रदूषण। इसके बाद शब्द आता है प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट शब्द का अर्थ है अवक्षेप, तलछट, वेग या तेज। इन शब्दों के लिए प्रेसिपिटेट शब्द का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं प्यारे विद्यार्थियों प्रोजेक्टाइल। प्रोजेक्टाइल का अर्थ है प्रक्षेप्य। प्यारे विद्यार्थियों, इसके समानार्थी शब्द के रूप में यदि हम प्रयोग करें तो फेंकने योग्य भी हो सकता है इसका अर्थ, लेकिन इसके लिए जो मुख्य अर्थ है प्रोजेक्टाइल के लिए वो प्रक्षेप्य शब्द का ही इसके लिए प्रयोग किया जाता है। इसके बाद प्यारे विद्यार्थियों हम बात करते हैं प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन के लिए हिंदी में प्रक्षेपण शब्द का प्रयोग किया जाता है। इसके लिए प्रक्षेप, मंसूबा, आगे निकला हुआ हिंसा इत्यादि शब्दों का प्रयोग किया जाता है, लेकिन प्यारे विद्यार्थियों मुख्य रूप से इसके लिए प्रक्षेपण शब्द का ही प्रयोग किया जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं क्वाल्टेशन। क्वाल्टेशन के लिए हिंदी में गुणात्मक शब्द का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेंटाइल। क्वेंटाइल के लिए विभाजक शब्द का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद प्यारे विद्यार्थियों हम बात करते हैं रेडिएशन। रेडिएशन के लिए हिंदी में विकिरण शब्द का प्रयोग किया जाता है। इसके साथ साथ इसके लिए प्रसारण शब्द का भी प्रयोग किया जाता है, प्रकाश भी प्रयोग किया जाता है, लेकिन मुख्य रूप से इसके लिए विकिरण शब्द का ही प्रयोग किया जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं रिफ्लेक्शन। प्यारे विद्यार्थियों, रिफ्लेक्शन के लिए प्रतिबिंब शब्द का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं रिफ्लेक्टिव इंडेक्स की। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स के लिए अपवर्तनांक, चिंतनशील सूचकांक शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, यदि आपके पास प्रश्न पत्र में रिफ्लेक्टिव इंडेक्स शब्द आता है तो आप इसके लिए चिंतनशील सूचकांक अर्थ लिखाओगे या इसके लिए अपवर्तनांक अर्थ लिखाओगे। इसके बाद शब्द आता है रेफ्रिजरेशन। इसके लिए जो है हिंदी में प्रयोग किया जाता है प्रशीतन या ठंडा करना। इसके बाद शब्द आता है रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम के लिए शेषफल प्रमेय, हिंदी में इसके लिए अर्थ प्रयोग किया जाता है। इसको शेष प्रमेय भी कह सकते हैं, लेकिन प्यारे विद्यार्थियों रिमाइंडर थ्योरम के लिए आप शेषफल प्रमेय हिंदी के शब्द का ही प्रयोग करोगे। इसके बाद प्यारे विद्यार्थियों शब्द आता है रेसोनेंस। रेसोनेंस के लिए अनुनाद हिंदी के अर्थ का प्रयोग किया जाता है। इसके साथ साथ इसके लिए प्रतिध्वनि, गूंज, शब्द की लहर इत्यादि भी अर्थ हैं, लेकिन प्यारे विद्यार्थियों पेपर में आप इसके लिए रेसोनेंस के लिए अनुनाद हिंदी के अर्थ का ही प्रयोग करोगे। इसके बाद हम बात करते हैं रेलिक। रेलिक का अर्थ है अवशेष। इसके बाद शब्द आता है स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम का अर्थ है वर्णक्रम। स्पेक्ट्रम के लिए वर्णक्रम के साथ साथ हम रंगावली, विस्तार इत्यादि शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन प्यारे विद्यार्थियों स्पेक्ट्रम के लिए आप उत्तर पुस्तिका में वर्णक्रम ही लिख कर आओगे। इसके बाद हम बात करते हैं सब्लिमेशन। सब्लिमेशन का अर्थ है ऊर्ध्वपातन या उच्च बनाने की क्रिया। उच्च बनाने की क्रिया के लिए सब्लिमेशन शब्द का प्रयोग वैज्ञानिक शब्दावली के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसके बाद प्यारे विद्यार्थियों शब्द आता है थर्मोस्कोप। थर्मोस्कोप का अर्थ है तापदर्शी। इसके बाद
शब्द आता है वेलोसिटी। वेलोसिटी का अर्थ है वेग। इसके लिए हम गति, तेजी, चाल, रफ्तार इत्यादि शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग जो है वेलोसिटी के लिए वेग वैज्ञानिक शब्दावली के रूप में प्रयोग करोगे। वेलोसिटी का वैज्ञानिक अर्थ है वेग। इसके बाद प्यारे विद्यार्थियों, शब्द आता है वाइब्रेशन। वाइब्रेशन का अर्थ है कंपन। वाइब्रेशन के बारे में आप लोग बार बार सुनते हो, कहते भी हैं कि कक्षा में अपने फ़ोन वाइब्रेशन पे रखें, ठीक है, जितने ज़्यादा हो सके अपने फ़ोन को वाइब्रेशन मोड पे रखें। तो वाइब्रेशन का अर्थ है कंपन। इसके बाद शब्द आता है वायरस। वायरस का अर्थ है विषाणु। वर्तमान समय में आधुनिक परिस्थितियां जो चल रही हैं उनमें किस प्रकार से जो कोरोना वायरस है वो किस प्रकार भयानक रूप लेता जा रहा है, तो उस वायरस के लिए वायरस का अर्थ है विषाणु। इसके बाद शब्द आता है इंडेक्स। इंडेक्स का अर्थ है सूची। किसी भी कार्य को करने के लिए या किसी भी सब्जेक्ट की जब हम कॉपी तैयार करते हैं तो हम इंडेक्स बनाते हैं कि इस पेज पर मैंने ये काम किया, इस पेज पर मैंने ये काम किया है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इंडेक्स का अर्थ है सूची। सूची के लिए इंडेक्स का प्रयोग किया जाता है। इन वैज्ञानिक शब्दों को लेकर किसी भी विद्यार्थी के मन में किसी भी प्रकार का सवाल है तो प्यारे विद्यार्थियों, आप स्क्रीन पर दिए गए मोबाइल फोन नंबर के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से इन प्रश्नों को पूछ सकते हो। और मैं आप सभी को कहना चाहता हूँ कि आप सभी डीएवी कॉलेज चीका के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपको वहाँ पर सभी विषयों के ई व्याख्यान मिलेंगे और इन ई व्याख्यानों के माध्यम से आप अपने शेष पाठ्यक्रम को पूर्ण कर सकते हैं और आपके ज्ञानार्जन में ये सहायक सिद्ध होंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।